कोरोना के लंबे दौर के बाद दीपावली का सीजन आया और उसके बाद शादियों का दौर शुरू हुआ। कॉलेज स्कूल भी खुले, ऑनलाइन ऑफलाइन और 5G के बीच में किस तरह से बाजारों के हाल बने, आइए हम जानते हैं। चलते हैं मोबाइल बाजार में और चलते हैं शादियों के बाजार में कि किस तरह से क्या बाजार के हाल हैं। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। सरकारी छूट के बाद शादियों का बाजार तो उठ गया है, लेकिन मोबाइल का बाजार अभी भी 5G के इंतजार में अटका हुआ है। बाजार चाहे साड़ियों का हो, ज्वेलरी का हो, इमिटेशन ज्वेलरी का हो या अन्य प्रोडक्ट का हो, बाजार में खुशी की चहल पहल तो है, लेकिन अभी भी कईयों को इंतजार है और कईयों को खुशी है कि अब बाजार उनके लिए मुफीद हो गया है और कुछ इनकम बढ़ी है। कोरोना महामारी के दौर में जिस तरह से बाजार पीटा था, अब बाजार बड़ा है और लोगों को खरीदारी का मौका भी मिला है और दुकानदारों को बेचने का भी। जिस तरह से बाजार खुशहाल हुआ है, अब यह दौर जारी रहेगा आगे तक यह तो समय ही बताएगा, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं मोबाइल बाजार में। पहले कोरोना की लंबी महामारी के बाद में बाजार में कुछ सुधार आया है और हम बाजारों का हाल जानने निकले हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में हैं हम, मोबाइल बाजार में हम चलते हैं और यहाँ किस तरह से कोरोना के बाद जो बिक्री हुई है मोबाइलों की, उसमें किस तरह का हालचाल रहा और अब जिस तरह से मोबाइलों की रेंज आ रही है उसमें किस तरह के मोबाइल आ रहे हैं और किस तरह के नए सेगमेंट मिलने वाले हैं लोगों को। 5G सीरीज शुरू हो रही है, क्या हाल है 5G सीरीज का और किस तरह से वो लोगों के लिए लाभदायक होगा, कौन सा मोबाइल लोगों के लिए हितकर रहेगा और कौन सा मोबाइल अहितकर रहेगा। हमारे साथ में हैं कालू भाई, पैरागॉन के संचालक हैं और इन्हीं से जानेंगे। जिस तरह से मोबाइल बाजार की अगर बात की जाए तो किस तरह का बाजार है, किस तरह से नए सेगमेंट आ रहे हैं और कौन सा मोबाइल लेना अभी लोगों के लिए हितकर रहेगा और किसके लिए अभी प्रतीक्षा की जाए, जी बताएं सर। सर देखो, कोरोना के बाद अभी मोबाइल मार्केट ने एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। इसमें क्या था, पहले जो कोरोना काल से पहले हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी और ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह बहुत सी चीज़ें ऐसा लोग यूज़ नहीं करते थे, तो मोबाइल उस समय में इतना यूज़फुल नहीं होता था। पर आज के टाइम में मोबाइल इतना हो गया है कि आपको हर चीज़ के लिए मोबाइल एक अनिवार्य प्रोडक्ट हो गया है। और इसके साथ क्या होता है, मोबाइल में आज की तारीख में लोगों को रैम, रोम और टेक्नोलॉजी एडवांस, ये सब चीज़ें की बहुत ज़रूरत पड़ने लग गई, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई, फिर आपकी ऑनलाइन सारी चीज़ें, जैसे आपका जो भी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन पे हो गया, आज आपकी तरफ मार्केटिंग वगैरह देखो वो भी सब होता है। तो इस तरह से पहले जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम इतना यूज़ नहीं करते थे, पर आज की तारीख में फेसबुक इंस्टाग्राम और बहुत सारी ऐप्स होती है, जैसे बैंकिंग की ऐप है या कोई ऑनलाइन ऐप परचेज करने की ऐप है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मोबाइल पे चालू हो गई। इस कारण से क्या, मोबाइल में अब लोगों की डिमांड जो है वो रैम और रोम की बढ़ गई है, प्लस जो 5G नेटवर्क है वो बहुत जल्द चालू होने वाला है, उसके मार्फत नए मॉडल जो आ रहे हैं हर ब्रांड के अंदर, आज सैमसंग में है, एप्पल में है, ओप्पो है, वीवो है, सारी ब्रांड है, इनके अंदर भी 5G मॉडल बहुत सारे आ गए, बहुत अच्छे अच्छे लुक के साथ, LCD अच्छी LCD के साथ आ गया, फिर LCD की साइज़ को बढ़ा दिया कंपनी ने, फिर इसकी रैम रोम पूरी बढ़ा दी। और उसके बाद क्या है कि अब लोगों का ये है कि हमें फ़ोन ऐसा चाहिए कि जो हमारे फ़ोन में सारी सुविधाएँ मिल जाएँ और वो फ़ोन कभी हैक वैक ना हो सके, क्योंकि ये बहुत सिक्योरिटी पॉइंट है। तो इस पे एप्पल ने विशेष ध्यान दिया है और सैमसंग भी अब ध्यान दे रहा है इस बात को कि आपका फ़ोन हैक ना हो सके, तो इन चीज़ों को, क्योंकि अभी क्या है ऑनलाइन बैंकिंग लोग जनरली इस पे यूज़ करते हैं, क्योंकि मोदी जी भी चाहते हैं कि हम सब लोग ऑनलाइन पे आ जाएं, तो ऑनलाइन के लिए क्या, जैसे आज ATM पे अगर आप जाते हो पैसे विड्रॉल करने हैं तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उसके बाद ही आप पैसे विड्रॉल कर पाओगे, अदरवाइज वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या है, स्मार्टफोन पे हर लोगों को जाना पड़ रहा है, तो स्मार्टफोन में ये सारे फीचर्स अवेलेबल है। तो अब 5G जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो अपने लिए बहुत बढ़िया है और आने वाले टाइम के लिए मतलब आपकी सब चीज़ मोबाइल में अवेलेबल होगी। जिस तरह से मोबाइल अभी बाज़ार में मिल रहे हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट भी हैं कि जो पहले समझा जाता था कि ये चाइनीज प्रोडक्ट हैं या ये जो कम रेंज वाले हैं या कोई सस्ते ऐसे होते हैं कि केवल लुभावने वो दिखते हैं लेकिन अंदर से वो फिर ऐसे जालसाजी में, तो एक आम ग्राहक को
ऐसे मोबाइलों से किस तरह से बचना चाहिए और क्या ध्यान रखना, सावधानी रखनी चाहिए? देखो, मैं तो सबसे पहली बात ये कहूँगा कि आम नागरिक को सबसे पहले तो ये कि ब्रांड का मोबाइल खरीदना चाहिए। जो आज की तारीख में 5-7 जो ब्रांड है वो ऑलमोस्ट सब इंडिया में बनने लग गई है। पहले ये सब फोन चाइना से इंपोर्ट होते थे, पर अब बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लग गए। इवन एप्पल भी इंडिया में बनाने लग गया आज की तारीख में। और अभी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये आ रही, चिपसेट की कोई प्रॉब्लम होने के कारण अभी स्टॉक प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा है, माल की शॉर्टेज अभी चली रही है और शायद ये 2-4 महीने और ऐसा रहेगा कि चिपसेट के कारण हमारा स्टॉक नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब, एक तो आप ऑथोराइज अच्छे रिसेलर से प्रोडक्ट खरीदे, जो आप लंबे समय से किससे माल खरीदे, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है आज की तारीख में आपका सारा डाटा मोबाइल के अंदर होता है। तो मोबाइल एक सेफ आप ऐसे रिटेलर से खरीदे जिससे आपके डाटा इधर उधर ना हो, आपके पासवर्ड इधर उधर ना हो, क्योंकि क्या होता है आप मोबाइल को अपडेट करते हैं तो आपके डाटा भी अपडेट करने पड़ते हैं, फोन में ट्रांसफर करने पड़ते हैं। तो ऐसे रिटेलर से थोड़ा दूर रहे। और पहली बात तो क्या है, अब चाइनीज जो प्रोडक्ट पहले आते थे वो सारे बंद हो चुके हैं। अब वो प्रोडक्ट अभी आज की तारीख में मार्केट में नहीं है, ना हम इस तरह के प्रोडक्ट को बेचते हैं। हम वही प्रोडक्ट बेचते हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और जिसकी आफ्टर सेल सर्विस प्रॉपर हो, जो कंपनी कस्टमर को सर्विस प्रॉपर दे सके। किस किस तरह से अब मोबाइलों का उपयोग बढ़ रहा है? मोबाइल का उपयोग तो आज की तारीख में इतना बढ़ गया है कि आप पूछो मत। मोबाइल तो यूँ समझो एक जान की तरह हो गया है। अगर मोबाइल नहीं है तो आदमी अधूरा सा हो जाता है, क्योंकि मोबाइल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती है। आज की तारीख में आपका सब चीज़ें, आज जैसे आपके बैंकिंग है, जैसे बैंक सपोज करो ऐसा है, कोई कहीं एक पैसा भी अगर निकालता है तो आपको तुरंत SMS आ जाता है कि आपके अकाउंट से ये पैसे विड्रॉल हुए। तो वहाँ पे एक फैसिलिटी है, जैसे टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री में कॉल करके आप अपना अकाउंट लॉक करा सकते हो, अपना ATM लॉक करा सकते हो, जो भी चीज़ें। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आज की तारीख में आप आपकी कुरियर सर्विसेज है, जैसे ब्लू डार्ट कुरियर देता है या कोई भी कुरियर वाला, आपके मोबाइल पे OTP आता तभी आपको वो कुरियर डिलीवर करता है, अदरवाइज वो डिलीवर भी नहीं देता है। तो इसलिए मोबाइल एक मुख्य आपके लिए बहुत बड़ा साधन बन गया है, मोबाइल आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो बस इसमें एक छोटी सी जानकारी ये रखना चाहिए, जैसे बच्चों को है, महिलाओं को है, अननोन पर्सन कोई भी अगर मोबाइल पे आपको किसी तरह का कोई रिक्वेस्ट डालता है या कोई ऐसी अननोन पर्सन आपसे कोई OTP या कोई जानकारी लेना चाहता है, तो उसको जानकारी ना दें आप उनको, क्योंकि बाकी आप पूरे सिक्योर हो। अगर आप वो जानकारी दोगे तभी वो आपके मोबाइल को हैक कर सकता है या आपके अकाउंट को किसी भी चीज़ को हैक कर सकता है, अदरवाइज वो जीवन में कभी हैक नहीं कर सकता है। वो आप उसको अगर कोई चीज़ जानकारी, अननोन पर्सन को कभी भी मोबाइल पर कोई जानकारी मत दो। 5G में तो देखो पहला प्लस 5G में क्या है, आपकी नेट की तो स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे आज की तारीख में जैसे आपको कोई अगर कोई लिंक भेजता है या कुछ भी चीज़ भेजता है तो खुलने में कुछ समय लगता है, मगर 5G के अंदर वो टाइम नहीं लगेगा। उसके अलावा जैसे आपको कोई PDF में कोई फॉर्मेट इधर उधर सेंड करने हैं, आपके कोई डाटा सेंड करना है, तो 5G टेक्नोलॉजी में तुरंत डाटा सप्लाई इधर उधर हो जाएंगे, दोनों चले जाएंगे। तो उससे क्या ईजी हो जाएगा, टाइम की बचत होगी और फटाफट वो फाइल खुल जाएगी। कितनी बार क्या होता है, अगर नेट की स्पीड प्रॉपर ना हो तो आपकी फाइल करप्ट भी हो जाती है, तो करप्ट होने से फिर आप वो पर हो जाते हैं, पर 5G में ये चीज़ें नहीं हो पाएगी जी। देखो आज की तारीख में 2G फोन है वो भी चल रहा है, 4G भी चल रहा है, 5G भी चल रहा है, 3G भी चल रहा है, सारे फोन चलेंगे। 5G आएगा तब सारे फोन चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं तो वो फोन बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5G कॉल बेसिकली उन लोगों के लिए होगा जैसे जो बिजनेस देखते हैं, सारा बिजनेस जैसे इनको मेलिंग करनी पड़ती है या सॉफ्टवेयर उस पर रन करता है, जो एप्लीकेशन को चलाते हैं, उनके लिए 5G फोन ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी जनरली जो लोग हैं आज 4G भी चलाएंगे कोई इशू वाली बात नहीं, 4G भी खरीदिए, 4G फोन भी अच्छे होते हैं। आज भी 3G फोन लोग चला रहे, 2G चला रहे, आज भी लोग कीपैड फोन यूज़ करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, मुझे व्हाट्सएप नहीं चाहिए, मुझे फेसबुक नहीं चाहिए, मेरे फोन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो कीपैड फोन आज भी यूज़ करते हैं, आज भी कीपैड फोन दिख रहा है, क्योंकि वो इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे फोन चलेंगे भविष्य में, कोई भी फोन ऐसा नहीं, कोई भी टेक्नोलॉजी बंद नहीं होगी, सब टेक्नोलॉजी चलेगी। जब आपको 5G लगता है कि मुझे रिक्वायरमेंट है 5G की, तो आप 5G अपडेट कीजिए, नहीं आपका जो फोन चल रहा है वो चलेगा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं, आप 4G खरीदिए, हर फोन खरीदिए। क्या कहना है आपका? मेरे कहने का मतलब है, आज जैसे ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म आया है मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, या बहुत सी चीज़ों में ऑनलाइन है, जैसे लोग बात देखते हैं कि ऑनलाइन खरीदें हमें सस्ता मिल रहा है, वो लुभावने बहुत सारे देते हैं, ऐसी बातें नहीं, मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं। कितनों को तो अंदर से कुछ और मिलता है, कुछ और निकलता है, बहुत से लोग ऐसे, देखो बहुत सौ को अच्छी चीज़ मिल जाती है, बहुत सौ को नहीं मिलती है। देखो वो कहाँ से लाएगा, अगर आज ऑनलाइन भी कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, अगर आज की उसकी खरीदी नहीं है वो उससे सस्ता कैसे देगा? सस्ता देने के लिए वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ 19-20 करेगा, 19-20 में क्या होगा, आप नहीं तो आप हमारा दूसरा भाई टकाएगा, आप नहीं लोगे तो दूसरा टका जाएगा। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, मोबाइल को जितना भी है या कोई भी प्रोडक्ट है, मैं ये चाहता हूँ कि हम सब ऑफलाइन को सपोर्ट करें। आज हमारा उदयपुर है, हम उदयपुर से खरीदे, कोई कहाँ का है वो वहीं से खरीदे, उसका 2-3 दिन देखो। एक तो आप आए स्टोर पर, आपने विजिट करी, आपने अपना मन सीधा मन चाहा प्रोडक्ट खरीदा, आप आए आपको लगा यार मुझे ये नहीं खरीद के, और यहाँ के 4 प्रोडक्ट और देखे आपको अच्छा लगा, नहीं यार मुझे ये खरीदना चाहिए, आप वो खरीदिए। तो मेरे कहने का, उसके बाद क्या होता है ऑफलाइन में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। आज आप आए, आपने कहा मेरे डिवाइस के डाटा सारे शिफ्ट कर दो, हम शिफ्ट कर देते हैं ऑफलाइन में रिटेलर, और आप उस रिटेलर से खरीदो जिसे आप बसों से खरीदते आ रहे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए मैं तो सबसे ये अनुरोध करूँगा कि आप ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन को जितना सपोर्ट करें उतना ज़्यादा सपोर्ट करें।
शादियों का सीजन शुरू हो गया है और शादियों के सीजन में अपने आप को खूबसूरत कैसे बनाया जाए और क्या ऐसा पहनावा पहने कि जिससे मेहमान देखते ही आपके पास आए और कहने लगे कि काफ़ी खूबसूरत पहनावा पहना है, लेकिन इसके लिए बड़ी आपको जद्दोजहद भी करनी पड़ती है, खास शोरूम में जाना पड़ता है और वहाँ पे ऐसे पहनावे देखने के बाद या तो उसको खरीदा जा सकता है या उसको रेंट पे लिया जा सकता है। किस तरह के बाज़ार हैं इसके लिए हम आए हैं जिलों की नगरी उदयपुर में और यहाँ पर शादियों के लिए किस तरह की खास तैयारी की जा रही है और आपको कैसे खूबसूरत बनाए रखने के लिए यहाँ पर तैयारी हो रही है। हम यहाँ पर जिलों की नगरी उदयपुर के रश्म सुप्रिया के सेंटर में आए हैं। यहाँ पर आप ड्रेसें देखेंगे, जिस तरह से यहाँ पर ड्रेसें आपको दिखाई दे रही हैं वो ड्रेसें जब पहनी जाती हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं युवतियाँ या महिलाएं या दुल्हन। हमारे साथ में सुप्रिया जी हैं, आप परिचय दें और किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं शादियों के सीजन की और क्या उम्मीद है कोरोना काल के बाद में। मेरा नाम सुप्रिया शर्मा है, मैं यहाँ पे रस्म बाय सुप्रिया शर्मा मेरा बुटीक का नाम है और हम यहाँ पे सारा लहंगा गाउन इंडो वेस्टर्न शरारा साड़ी राजपूती ड्रेस सारी ही ड्रेसेस हम यहाँ रेंट पे प्रोवाइड करते हैं, ज्वेलरी भी हम प्रोवाइड करते हैं और ये हमारी सर्विस ऑल ओवर इंडिया है जो हम सभी को देते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे मदर डॉटर कंसेप्ट भी है कि जो मदर और डॉटर सेम पहनना चाहती हैं हम उनको भी रेंट पे देते हैं। और पिछले 2 साल से कोविड की वजह से जो शादियाँ रुकी हुई थी, जो नहीं हो पा रही थी, वो अभी वापस लोगों का हुआ है कि यहाँ पे वेडिंग का 2 साल के बाद शादियों का वापस की शादियाँ है अभी और हम भी शादियों की तैयारियों में लग गए हैं। और यहाँ पे आप जब आएंगे तब यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पे सारा लेटेस्ट और नया ट्रेंडी कलेक्शन मिलेगा। इसके साथ हम यहाँ पे बहुत हाइजीन का ध्यान रखते हैं, कोविड प्रोटेक्शन जो भी होते हैं हम वो सभी फॉलो करते हैं। अभी का जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो ये है कि आजकल सभी इंस्टा और इंस्टाग्राम और मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतना सारा सब देखकर और उससे इंस्पायर होके और उसी टाइप के कपड़े पहनना चाहते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि जो लेटेस्ट से लेटेस्ट फैशन वाली ड्रेसेस हैं वो हम यहाँ पे उनको रेंट पे प्रोवाइड करें। और इसके अलावा यहाँ पे हम सभी टाइप के कपड़े रखते हैं जिसमें प्री वेडिंग के आउटफिट्स भी होते हैं। अभी का जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि पेस्टल कलर्स बहुत इन हैं, इसके साथ में डार्क कलर्स भी बहुत आजकल के ट्रेंड में चल रहे हैं। लोगों का हो गया है कि किसी वेडिंग में अगर पहनना है तो उनको हर प्रोग्राम में अलग अलग टाइप के ड्रेसेस पहनने हैं, जैसे किसी इवेंट में उनको लाइट कलर के पहनने हैं तो नेक्स्ट फंक्शन में उनको डार्क कलर चाहिए, तो वो उनका ये रहता है कि वो पूरा उनका थीम वाइज रहता है कि हमको इस थीम के अकॉर्डिंग ये ड्रेसेस चाहिए, मेहंदी के लिए अलग चाहिए, हल्दी के लिए अलग चाहिए, संगीत के लिए उनको लाइट शेड में चाहिए, शादी के लिए उनको डार्क में चाहिए, दैन रिसेप्शन में फिर उनको कुछ ट्रेंडी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम उनको उनकी चॉइस के हमारे यहाँ बिल्कुल सिंपल ज्वेलरी से लेके सभी टाइप की ज्वेलरी उसमें आ जाती है। किसी को ओनली इयररिंग्स भी चाहिए या ओनली नथ चाहिए जो मार्केट में आपको सिर्फ बाय करके ही प्रोवाइड होती है वो भी हम यहाँ पे रेंट पे प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे दुल्हन के लिए अच्छी से अच्छी ब्राइडल ज्वेलरी प्रोवाइड कराते हैं जो लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग होती है। इसमें हमारे पास सभी टाइप की ज्वेलरी यहाँ पे अवेलेबल। हम यहाँ पे दुल्हन के लिए ऑर्डर पे फ्लावर ज्वेलरी भी बनाते हैं जो कस्टमाइज होती हैं, जो उनकी चॉइस उनका कलर चॉइस जो अभी लेटेस्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं।